हेलो वेलकम बैक, मैं विनीत कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। तो ये है अभी पुणे स्टेशन और स्टेशन पे हम आए हैं आपको दिखाने के लिए। हर दिन हजारों लोग आते हैं इस स्टेशन तक पुणे सिटी में जॉब सर्च करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग मजबूरी में होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते रहने के लिए। तो एक दो दिन आपको जॉब सर्च करने के लिए एक रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कम बिना पैसे के आप पुणे सिटी में अच्छे जगह पे रुक सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपको पुणे सिटी में, जी हाँ पुणे शहर में कम बिना पैसों का, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा, उस जगह पे आप ठहर सकते हो। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। ये देखो पुणे स्टेशन है, काफ़ी महंगा जगह है और इस जगह पे आपको फ्री में रहने की सुविधा दिखाऊंगा कहाँ पे आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आते हैं पैसे खर्च करके होटल में रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यह PCMC बस स्टॉप है और बस स्टॉप के पास ही ये रैन बसेरा मतलब रात्रि निवार प्रकल्प, ये बोर्ड आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप रह सकते हो। और यहाँ पे रहने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से है, बिना पैसों का आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है तो चलिए एक बार देख लीजिए। आपको होटल से बढ़िया यहाँ पे रहने की सुविधा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सब सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये है पुणे सिटी का रैन बसेरा, इधर ले। ये है पुणे सिटी का रैन बसेरा जिसको नाइट शेल्टर बोलते हैं। और पुणे सिटी में तीन जगह पे है, एक बस स्टॉप के पास है PCMC पुणे स्टेशन के पास, दूसरा यरबदा में है, तीसरा खपोली में है ना, नवी पेट में। तो इस समय हम लोग पुणे स्टेशन वाले नाइट शेल्टर में है। तो यहाँ के ये कुछ स्टाफ है आप देख सकते हो, और ये जो कक्ष है यहाँ पे मेल लोग रहते हैं, देख सकते हो कितनी अच्छी व्यवस्था है, मुलायम गद्दे की व्यवस्था है, ऊपर फैन है। और अभी तकरीबन 9:30 का टाइमिंग हो रहा है तो ज़्यादा लोग नहीं है, और जैसे जैसे रात बीतेगी वैसे वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे अपने काम काज समाप्त करने के बाद। तो इनसे बात करते, भैया आप यहीं पे कितने दिनों से रह रहे हैं? कैसा लग रहा है यहाँ पे रहने? एकदम बढ़िया बढ़िया ना, होटल से बढ़िया है ना, अच्छा खाने पीने का भी मिलता है यहाँ पे, सब अच्छा है। खाना पीना मिलता है? कब मिलता है खाना पीना? 9-10 बजे। क्या खाने को क्या मिलता है? दाल चावल रोटी। देखिए यहाँ कुछ लोग है जो बहुत पहले से रह रहे और ये लोग बता रहे की खाना वाना भी मिलता है, और इनसे भी बात करते। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम बाबूराव कासले। आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे? महीने के ऊपर हो गए सर। एक महीने से ये लोग रह रहे, और ये काम काजी लोग हैं, अपना काम समाप्त करके यहाँ पे आते हैं और रात्रि विश्राम करके फिर अपने काम पे चले जाते हैं। तो कुछ लोग हैं और बाकी लोग आने वाले हैं, तो आपको दिखा देता हूँ महिला कक्ष जहाँ पे औरतें रहती है, और यहाँ पे लेडीज स्टाफ भी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम आपका नाम क्या है? ज्योति नाम है मैडम का। ये लोग स्टाफ है यहाँ के, और सामने महिला कक्ष है। कुछ महिलाएं माता बहने यहाँ पे रेस्ट कर रही है। तो आप बता, आप कितने दिनों से है? दो साल से रेगुलर वो रह रही है। कैसा लग रहा है यहाँ पे रहना? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोई भी आकर के आराम से रह सकता है ना? देखिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, फैन वैन बेड देखिए बहुत बढ़िया है, गोदरेज है अपना सामान रखने के लिए, रखने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग भी यहाँ पे आते हैं पुणे सिटी में
तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है, बाकी सारी फैसिलिटी आपको रहने की, हाँ सब कुछ अवेलेबल है। आप इजिली यहाँ पे डस्टबिन भी है और लेटरिन बाथरूम भी व्यवस्था है, नहाने और लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे गीजर भी लगा हुआ, मतलब एक ओयो होटल जितनी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली। आप लेटरिन बाथरूम देख सकते हैं कितना साफ सुविधा है, अंग्रेजी टॉयलेट की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और नहाने का बहुत ही उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे। चलो तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा बस एक ही मकसद था, जो लोग पुणे सिटी आना चाहते हैं किसी वजह से या फिर अपनी जॉब करने के लिए, तो जिनके पास कम पैसे है बजट में आना चाहते हैं, तो ये नाइट शेल्टर का यूज करके आप अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। और यहाँ पे लोग महीनों महीनों से रह रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छा है लगा है। और यहाँ पे देखिए लेटरिन बाथरूम भी हाई क्वालिटी का, साफ सुथरा सारी व्यवस्था है। मैं तो शॉक्ड हो गया देख करके, मैं कई होटलों पे रहा हूँ लेकिन होटल जैसा फैसिलिटी है पूरा। और यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन में लोग रहते हैं और साफ सफाई का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। तो बस मैं यही बोलूँगा, जो लोग भी यहाँ पे आते हैं पुणे सिटी, तो यहाँ पे एक बार नाइट गुजार के देखें कैसा होता है, काफ़ी हाई क्वालिटी व्यवस्था है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है।